परसेंटेज का सवाल पढ़ रहे थे, आज उसी के आगे पढ़ लेंगे। और मेंसुरेशन पे आधारित हम पढ़ भी रहे थे, छत्रामिति पे आधारित। तो हमने प्रश्न लिखना है आपको, किसी वर्ग के एक समबाहु त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज के भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो आइए इसको हल करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, के भुजा में 20% की कमी करनी है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि पहले ये मान लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल अपने आप में 100 था, जैसा कि हमें भी पता है कितना था, 100 था। जब उसका क्षेत्रफल 100 था तो कितना कमी की गई, 20। जब 20 कमी कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये 80/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। और जब 80/100 हो गया तो हमने कहा है जब कोई एक भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे तो हमें गुणा कितनी बार करना होता है, 2 बार करना होता है। कितनी बार, 2 बार करना होता है, ठीक है। तब फिर क्या करेंगे, 80/100, क्या करेंगे, 80/100। अब इसे डिवाइड करना है, काटना है, काट के छोटा करना है। तो आपने क्या किया, 100/100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, ऊपर हुआ 8/64। ये 100 से कम है या ज्यादा, ये 100 से कम है या ज्यादा, कमेंट कर बताइए जल्दी से। हमने देखा 100 से कम है, कितना कम है, तो पता चला -36। तो वो 36% की कमी होगी, क्या होगी, 36% की कमी होगी। यहां तक के प्रश्नों को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक। तो हमने क्या देखा कि यहां तक के जो प्रश्न की सीरीज थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये एक तरह से पुनरावृत्ति करा दी। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अब जो हम अध्याय पढ़ेंगे वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी और उसमें कुछ चीजों को बारीकी से ध्यान रखना होगा। जो हमारी क्लास स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं ये उनके लिए रामबाण होगा, जिन्हें गणित नहीं आती, जिन्हें गणित से डर लगता है, उनके लिए यह क्लास सबसे ज्यादा किफायती होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब एक नया टॉपिक से। टॉपिक तो यही है लेकिन प्रश्न का क्राइटेरिया बदल रहा है। प्रश्न लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, एक वर्ग के त्रिज्या में, आप सभी लोग प्रश्न लिखिएगा, एक वर्ग की त्रिज्या में, एक वर्ग की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए। एक वर्ग की त्रिज्या में, एक वर्ग की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। एक सवाल और लिखेगा, एक सवाल हमने क्या लिखा कि जो R है उसमें क्या करना है, +30% की वृद्धि करना है। दूसरा प्रश्न सेम लिखेगा, एक प्रश्न और लिखेगा आप लोग, एक प्रश्न और लिखेगा, एक वृत्त के व्यास में, एक वृत्त के व्यास में, पहले हमने क्या देखा आर में कितना बढ़ाया, +30% बढ़ा दिया गया। अब अगला प्रश्न लिखेगा, एक वृत्त के व्यास में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपको एकदम एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जहां से आप लोग परीक्षा में प्रश्न गलती करते हैं और सभी लोग लगभग गलत करेंगे संभवतः। एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए और उसके व्यास, एक दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त के व्यास में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो आपको खाली इतना बताना है क्या दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे, क्या दोनों क्षेत्रफल में समान वृद्धि होगी, किसी में ज्यादा वृद्धि परसेंट की कम, केवल परसेंटेज बताना है, कम वृद्धि, ज्यादा वृद्धि या बराबर, ये तीनों चीज आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। और हमको और आपको ये जानना है, ये जो वृत्त हो गई, ये वृत्त, तो वृत्त से यहां तक जो होता है उसे हम आर कहते हैं और डट 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 जो बढ़ जाता है उसे हम डी कहते हैं, माने R+R = D होता है, R+R = D होता है। चूंकि आपको ही पता होगा, हमें भी पता है, 2R = D होता है और हम ये जानते हैं R = D/2, D माने व्यास, D जहां पे व्यास है, R जहां पे त्रिज्या है। अब सोचिए मेंसुरेशन के सवाल को हम लोग परसेंटेज से लगा रहे हैं और आप बताइए जल्दी से कमेंट करके, जो लाइव है जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इतना आसान है, इतना आसान है कि यकीन मानिए आपको गणित से ज्यादा सरल कोई सरल ही नहीं लगेगा। हमने क्या देखा कि एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की गई,
तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, जबकि दूसरी तरफ कह रहा है कि एक वृत्त की व्यास में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मुझे खाली इतना बताइएगा कि उत्तर बराबर आएंगे, कम होंगे या ज्यादा, किसके कम या किसके ज्यादा, जल्दी से बताइएगा। त्रिज्या वाला ज्यादा होगा, त्रिज्या वाला कम, व्यास वाला, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और केवल पढ़िए, जब हम क्लास खत्म कर लेंगे तब हम आपसे बातें करेंगे। जल्दी से केवल बताइए सभी लोग जो भी लाइव है, यहां पे नई चीज सीखेंगे और आपके वो हमेशा लाइफ में काम आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या चीज है। यहां पे हमें ये पता है कि किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो अपने आप में क्या था, 100 था। क्या था? 100 था। अब कह रहा है उसके त्रिज्या में, उसके त्रिज्या में 30% की वृद्धि होगी, तो गुणे 130/100 फिर गुणे 130/100 होगा। मैंने आपको एक बात बताया था, जब कभी भी क्षेत्रफल पूछे, कभी भी क्षेत्रफल पूछे और एक भुजा अगर दी हो तो उसका गुणा अपने आप दो बार करेंगे। ध्यान समझिएगा कि कभी भी अगर क्षेत्रफल पूछे और एक बार दिया हो तो उसका गुणा हमें दो बार अवश्य करना है, चाहे वो वर्ग का पूछे, चाहे समबाहु त्रिभुज का पूछे, चाहे वो किसका पूछे, चाहे वो समबाहु त्रिभुज का पूछे, चाहे वो संभव त्रिभुज का पूछ लेगा तब भी, अगर संभव त्रिभुज का न पूछ के वर का पूछेगा, चाहे वृत्त का पूछेगा, तो वहां पे इसी के करेंगे। ठीक, अब आगे देखेंगे। यहां पे एक बात हम और यहां पे सीखने को मिलेगा कि मैंने प्रारंभ में बताया था दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि त्रिज्या के लिए इसका 15% कर दिया। ऐसा नहीं करना है, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, त्रिज्या अपने आप में 100 और व्यास अपने आप में 100, इसलिए दोनों को एक ही मेथड पे लगाएंगे, कोई इसके लिए अलग नियम नहीं है। 100-100 से कैंसिल, यह जीरो इससे, यह जीरो इससे, 13×13 करेंगे, 13×13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 होगा, तो यह हो जाएगा +69% की वृद्धि। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 69 होगा, 69। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं आप। यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हो सकता है आपके काम में आ जाए। मेरी बात को गौर समझिएगा, ये क्या होगा, 69% की वृद्धि होगी, इसका भी उत्तर वही होगा और इनका भी उत्तर यही होगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज वृद्धि होती है वो क्या है, जैसे ध्यान समझिएगा कि जैसे कोई भी चीज है वो अपने आप में हमेशा 100% होती है, चाहे वो त्रिज्या थी चाहे वो व्यास था, सभी चीजें अपने आप में क्या होंगी, 100% होंगी, अपने आप में 100% होंगी, इसलिए दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा ये होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी दशा में परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो हाँ आप ये मत करिएगा त्रिज्या है तो दोगुना कर दीजिएगा, व्यास है तो आधा कर दीजिएगा, परसेंटेज में ऐसा कुछ नहीं होता, सवाल में ऐसा होता है, परसेंटेज के थियरी में ऐसा नहीं होता। आप लोग को जरा बताइएगा, जितने लोग को समझ में आ गया कमेंट करके बताएं, जितने लोग को नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताऊंगा, जो वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी लोग इस वीडियो को सभी साथियों तक जल्दी जल्दी शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा तक पहुंचाइएगा ताकि अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़ सके और जुड़कर पढ़ सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए इसकी, हो गया, अब आगे पढ़ाया जाए, अब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब आगे लिखिएगा, अब आगे लिखिएगा अगला प्रश्न, सभी को शेयर कर दीजिएगा, चाहे आप फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, दुर्गेश सर सर्च कर बिना स्पेस दिए इलेनी विद दुर्गेश से। आगे लिखिएगा अगला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या को, एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो, एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं, एक वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे, सभी लोग प्रश्न को हल करेंगे, हल करने के बाद अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, चाहे वो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, चाहे वो इंस्टा पे लाइव देख रहे हैं, कहीं भी आप इस सेक्शन को लाइव देख रहे हैं तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, सभी को शेयर करिएगा। ये क्लासेज आपके लिए लाइव चल रही है, अभी भी देख सकते हैं, कुछ देर के बाद इस क्लास को देख सकते हैं, जब आपकी इच्छा होगी तब आप इस क्लास को आसानी से देख सकते हैं। जल्दी कमेंट कर बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए।
सभी लोग बताइए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, देखो उत्तर आना शुरू हो गया, सभी लोग बताएं जो फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, सभी लोग जवाब देते रहे और सभी को शेयर करते रहे, जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हो सभी को शेयर करते रहे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए। आइए देखते हैं। तो हमने देखा जो वृत्त पहले था उसका क्षेत्रफल अपने आप में 100% था, अगर उसकी त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए तो क्या हो जाएगा, 100 + 100 तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 200/100 फिर गुणे 200/100। क्लियर? यहां तक तो मुझे लगता है किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 100-100 से कट गया, ये लड्डू इससे, यह लड्डू इससे कट गया, अब ऊपर 200 × 400 बचा। अब ये बताइए अब 400% होगा कि 300? अब हमें जानते हैं पहले वो 100 था, अब कितना हो गया 400, तो माने कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आपने पाया कि +300% की वृद्धि हुई। यहां से किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम 10 बार बताएंगे। पहले पढ़ लीजिएगा फिर हम आपसे सारी बातें करेंगे, पहले हम अपना फोकस पढ़ने पे करते हैं, पढ़ लेंगे सारी बातें हम आपसे करेंगे, आपके सारे प्रश्न का जवाब देंगे। अब एक कॉपी कलम लेकर पहले तैयार हो जाइए, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां से हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला प्रश्न लिखिएगा 300% में आ गया सबको। चलिए अब प्रश्न लिखिएगा। अब अगर ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलिए लिखिएगा, एक वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दी जाए, 200% की वृद्धि कर दी जाए, 200% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा फटाफट, जो भी लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए लाइव केवल पेट क्लास के लिए चल रही है और अभी आप देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो कैसे लगेगा बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, हल करके बताइए, जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये मैंने कहा ना पहले व्यास और त्रिज्या में बहुत ज्यादा उलझेंगे नहीं, क्योंकि परसेंटेज में सब अपने आप में समान है। जैसे अगर आप एक महीने में 20,000 कमाते हैं, मैं एक महीने में 5,000 कमाता हूं, तो आपका अपने आप में 100%, मेरा अपने आप में 100%। अगर मेरे वेतन में 10% की वृद्धि होगी तो 5,500 होगा, और आपके अगर होगी तो कितना होगा 10% वृद्धि होगी तो बताइए 22,000 होगी। तो आपका अपने में वृद्धि, मेरा अपने में वृद्धि, तो परसेंटेज में कोई मतलब नहीं होता, जब उसकी वैल्यू होती है तब तो मतलब होता है, जब वैल्यू नहीं रखी जाती तो उसके परसेंटेज में कोई मतलब नहीं होता। आराम से लगाइए, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि हर उस व्यक्ति को मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगा, हर उस व्यक्ति को गणित आसान लगने लगेगा जो इस रेस के लिए तैयार है। आइए हल करके देखते हैं। हमने देखा एक वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दी गई, माने पहला उसका क्षेत्रफल क्या था, पहले उसका क्षेत्रफल अपने आप में 100% था, गुणे कितने की वृद्धि हुई, कितना बढ़ा, 200 बढ़ा, क्या कितना लिखेंगे, हमने लिखा है ज्यादा होगा 100 से ज्यादा, कम होगा तो 100 से कम, तो यहां पे हो गया आपका क्या होगा, आपका 300 हो जाएगा, 100 + 200/100 फिर गुणे 300/100। उम्मीद कर रहे हैं आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली गणित धीरे धीरे करके समझ में आ रही होगी तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। यह लड्डू इससे क्लियर, यह लड्डू इससे ऊपर 3 + 9 = 900 हुआ, तो
तो 900% पहले 100% था, अब क्षेत्रफल 900% हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो आपने पाया 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम है तो कमी, तो ये क्या हो गया? प्लस 800% की वृद्धि हो गई। तो मतलब जितने लोगों ने 800% बताया उन सभी के सवाल पूरी तरीके से सही है, पूरी तरह से क्या है? सही है। अब हमें जरा कमेंट करके बताएं, जो लोग लाइव देख रहे हैं वे सभी बताएं, क्या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो समझ में आया या नहीं आया? आ गया तो ठीक है, क्योंकि इसके बाद की टॉपिक फिर चेंज होगी, फिर अगले दिन और टॉपिक चेंज होगी, इसी तरह से क्रमशः करते रहेंगे और हम लोग टॉपिक चेंज करते रहेंगे, फिर एक दिन आपको परसेंटेज का पूरा निचोड़ पाएंगे। कम से कम परसेंटेज की जो क्लास चलेगी वो 10 से 15 लेक्चर हो सकते हैं, 10 से 15 लेक्चर होंगे आपके, तब जाके एक लेसन आपका क्लियर होगा, इतना आसान नहीं है। तो उसके बाद हम एसटी कराएंगे, आपकी टेस्ट कराएंगे, हम उसको पेपर देंगे, फिर उसे सोल्यूशन देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन दिलाना, हम आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बताइए क्या होगा, हल करिए जरा, ये हो गया। अब हम एक सवाल बोल रहे हैं, ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम लोग 3D आकृति की तरफ चलेंगे, अभी ये 2D पढ़ रहे थे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3D पढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न पढ़ लीजिएगा बस। एक वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए, एक वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए, 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएं, जितने लोग भी लाइव हैं सभी लोग बताएं, और सभी लोग शेयर कर दें यार। अब शेयर करने का ऐसा लग रहा है आप लोगों को पैसे लगते हैं, अगर आपको लग रहा है सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हैं, तो फिर शेयर कर दीजिएगा। एक वर्ग के भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? बहुत ही आसान है, इसके बाद हम लोग आयतन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मानो उसका क्षेत्रफल पहले कितना था? 100 था, फिर गुणे किया, अब क्या हुआ, उसके क्षेत्रफल में कमी हुई, कितनी कमी हुई? 50, ये हो जाएगा 50/100, फिर गुणे 50/100, क्लियर? यहां तक 100-100 से कैंसिल कट गया, ये लड्डू इससे कैंसिल, ये लड्डू इससे कैंसिल, 5×5=25। अब ये बताइए, ये 2500 से ज्यादा है कि कम? कम है, कितना कम है? तो पता चला 75, इसका उत्तर होगा -75% की कमी होगी, उसके क्षेत्रफल में 75% की कमी होगी। अब अगर यहां किसी को डाउट, किसी को समस्या हो, पूछ सकता है। इसके बाद 2D आकृति खत्म, अब हम लोग बढ़ेंगे 3D आकृति की तरफ। किस आकृति की तरफ? 3D आकृति की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी आकृति? 3D। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे ये 2D आकृति थी, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है 3D आकृति, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी होती है, घन, घना, गोला, बेलन, शंकु, अब हम इनकी तरफ अग्रसर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक जितने लोग को समझ में आ गया वो कमेंट करके बता दे, और उसके बाद नहीं तो फिर उन्हें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च कर टेलीग्राम पे आप लोग इन लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे, क्योंकि सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। अब हम लोग 3D आकृति की तरफ पढ़ेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है 3D आकृति। पहले 3D आकृति के बारे में जान लेते हैं, जिसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? 3D आकृति। 3D आकृति के बारे में समझ लीजिएगा, आप एकदम आसान हो जाएगा। इसका नाम है घना, ये क्या आपका? घना। ये कौन सी आकृति है? ये आपकी 3D आकृति है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे घन, ये हो गया आपका घन। ठीक, घन, घनाप, फिर क्या होगा? ये हो गया आपका गोला, ठोस, घन, घना, घनाप है, घन है, गोला है,
फिर आते हैं यहां पे बेलन, फिर है शंकु। आप सोचिए कितनी बढ़िया चीज आप परसेंटेज पढ़ेंगे और आपको आश्चर्य होगा ये मेंसुरेशन के सवाल एक एक लाइन में आप लगाएंगे। ये सपना नहीं है, ये हकीकत होने जा रहा है। अभी लोग कहेंगे ये तो खाली कह रहे हैं, लगा के दिखाएं तो समझ में आएगा। जी हाँ, मैं लगा के दिखाऊंगा और आप लगा के दिखाएंगे, मैं तो बताऊंगा और आप हल करके बताएंगे एक एक लाइन में। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आपको याद रखनी है, समझनी है, सोचनी है। जैसे जहां पे क्षेत्रफल कहता था, अगर वहां पे एक भुजा दी गई होती थी हम लोग क्या करते थे? जहां पे एक भुजा दी गई होती थी वहां पे हम क्या करते थे? हम अपने आप दो भुजा निकालते थे। क्या करते थे? दो भुजाएं कर लेते थे। लेकिन आयतन में जहां देगा, जहां पे 3D आकृति, मैंने बताया ना 3D आकृति है, वहां पे हम तीन भुजाएं रखेंगे। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। और ये सारे सवाल चुटकियों में लगेंगे, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। आइए देखिए इसके बारे में, पहले मैं बता दूं। जैसे यहां पे घनाप दे दिया है, घनाप में तीन होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, क्लियर? तो यहां पे आराम से लगा लेंगे। घन में अगर एक भुजा दिया, जैसे कह दिया जाए कि एक घन के भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिए आयतन का है, आयतन माने 3 बार गुणा, तो 100 × 110 / 100 × 110 / 100 × 110 / 100। अब गोला कह दिया, तो गोला आयतन आपको नहीं याद रखना, कह दिया कि गोले के त्रिज्या में या व्यास, मैंने भी बताया इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है, गोले के त्रिज्या में या गोले के व्यास में 20% की वृद्धि होगी, तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो 3 बार गुणा करना, कुछ सूत्र याद ही नहीं करना है, केवल इतना याद रखना है एक बार का है तो 3 बार करना। अभी जैसे मैंने पीछे पढ़ाया, तो क्या करेंगे? 100 × 120 / 100 / 120 / 100 / 120 / 100, बस इतना। अब आते हैं बेलन की तरफ। बेलन में और शंकु में यहां दो बातें अलग अलग है, क्या है वही मैं समझाना चाह रहा था। इसके जब आयतन की बात करेगा, इसमें जब आयतन की बात करेगा, इसमें दो यूनिट देगा, एक देगा इसकी ऊंचाई और एक देगा इसकी त्रिज्या। तो जहां पे त्रिज्या होगी, आर को 2 बार करेंगे, याद रखिएगा जब आर आएगा तो आर को क्या करेंगे? सदैव 2 बार गुणा करेंगे। आर जहां पे आएगा आर गुणे आर करेंगे, चाहे शंकु में आए चाहे बेलन में आए, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो होती है वो 1 होती है। इसकी ऊंचाई क्या होती है? 1 होती है। तो इस मिलाकर 1 यूनिट + 2 यूनिट + 3 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट को मिलाकर ही, क्योंकि 3 यूनिट को मिलाकर ही आयतन होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग समझिएगा। जैसे कह दिया जाए कि एक बेलन के त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की गई, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक तरीका कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो 2 बार लिखेंगे, जैसे 10 का है तो 110 / 100 / 110 / 100, फिर ऊंचाई 1 बार, ऊंचाई 1 बार होगी, क्योंकि टोटल आपको यूनिट 3 बार लिखना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जहां पे भी ये आयतन पढ़ने जा रहे हैं, और आयतन में कौन सी? 3D आकृति। कौन सी आकृति? 3D। और आपको मैंने पहले बता दिया है कि मैं एक लाइन में आपको उत्तर लाऊंगा, एक लाइन मतलब एक लाइन में आप इसका उत्तर ला लेंगे, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी नियम के। और आप बताइए इससे आसान क्या होगा? ठीक है, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, हो सकता है आपके काम में आ जाए। 6306344367 इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखिएगा, हो सकता है आपके काम में आ जाए, जल्दी स्क्रीनशॉट क्लिक करिए। अब हम इसके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? हम इसके बाद सवाल लगाना शुरू करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लिखिएगा एक घनाभ के लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए। माने एक घनाभ के लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए। तो इस प्रकार उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो इस प्रकार उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आवाज साफ आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? कमेंट कर बताइएगा, आवाज तो साफ आ रही है ना? आवाज साफ, वीडियो साफ चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना लाइव क्लास में? आइए देखते हैं
इस प्रश्न को पहले मैं हल करता हूँ, उसके बाद आप लोग हल करिएगा। एक दो क्वेश्चन में हल करा दे रहा हूँ क्योंकि आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कर लेंगे। जैसे कह रहा है कि एक घनाभ है तो उसकी जो पहले क्षेत्रफल होता आयतन अपने आप में 100%। मैं स्टार्टिंग से बताता रहा हूं, दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। उसके लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा, गुणे 110/100। फिर उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि, माने 120/100 क्या हो जाएगा, 120/100। फिर गुणे उसकी ऊंचाई में 30%, तो फिर क्या हो जाएगा, 130/100। अब आइए इसे हल करते हैं, काट कर चेक करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, सोचिए एक लाइन में लगा लेंगे। ये पूरा 100-100 से क्लियर, इसका लड्डू इससे क्लियर, इसका लड्डू इससे क्लियर, इसका लड्डू इससे क्लियर। ऊपर गुणा करिए, 11 × 12 × 13/10 तो क्या हो जाएगा, 11 × 12 × 13/10। अब भैया कितना आएगा बताइए, 174.6 कमेंट बताइए कितना आएगा, आप लोग बताइए। यही आएगा क्या, देखिए यही आएगा 174, यही आएगा। देखिए आप लोग बताइए कितना आएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना कितना आएगा, कितना आएगा मालिक, आप लोग कमेंट बताइए गुणा करें कितना आएगा, जब गुणा करें बताइए गुणा कितना आएगा, जो लाइव में गुणा करके बताए हमें गुणा करना होगा। 12 × 11 = 132 होगा, 132 × 13 हम आप लोग के भरोसे रहेंगे तो लगा लेंगे, 132 × 13 करेंगे, नहीं मानी चल रहा, 13/10 तो 13 × 26 13 × 39 = 41 13 × 13 = 17 10 हो गया, मतलब 171.6। ये 100 से कम है या ज्यादा, ये 100 से कम है या ज्यादा, ज्यादा है। कितना ज्यादा है तो भैया ये है +71.6%, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा। क्लियर हुआ आप लोग का, क्लियर हुआ, सोचिए इतने बड़े प्रश्न को आप लोगों ने आसानी से लगा लिया। अब अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न इसके ठीक बाद अगला, ये आकृति आप लोगों को मैंने बताया है, ये आपको पूरा समझ में लेंगे तो ये आपको आसानी से लग जाएगा। ठीक है, हो गया, चलिए आगे लिखिएगा अगला प्रश्न, इसके बाद अगला प्रश्न लिखिएगा। एक घन के भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एकदम एक लाइन में आपको लगा के बताना है, एक लाइन में इसका उत्तर बताना है। आइए देखिए, आप लोग लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं लगाता हूं। कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, एक घन के भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो हमने पहले तरीका बताया है, माना उसका आयतन अपने आप में 100 था, फिर गुणे, जब एक बार दे और आयतन पूछे गुणा कितनी बार करना है, 3 बार, क्षेत्रफल पूछता तो 2 बार, ये मैंने आपको बता दिया कई बार, तो हो जाएगा 120/100, फिर गुणे 120/100, फिर गुणे 120/100। क्लियर, कोई डाउट किसी को? अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 100-100 से कट गया, ठीक, यह लड्डू से कट गया, यह दो लड्डू कट गया, इसका लड्डू इससे कट गया। अब ऊपर बचेगा 12 × 12 × 12, मतलब 12 × 12 × 12/10। 12 क्यों, किसी को याद है? मुझे याद है, 1728, ये हो जाएगा 1728/10। एक अंक में सुन लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120
72.5 सौ से कम है या ज्यादा? ज्यादा। कितना ज्यादा? 72.8% इसका उत्तर क्या होगा? 72.8% स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक लाइन में आपने इसका उत्तर बताया, एक लाइन में, ना कोई यक्ष माना ना कोई वाई माना, कुछ नहीं माना, बस एक लाइन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी लाइन पे उसी बिहेव पे सारे प्रश्नों को हम हल करते चले। माने एक बार अगर आप लेक्चर देखेंगे, इसके लेक्चर सभी को क्रम से देखेगा, ये नहीं कि वीडियो नंबर एक देख लिया अब पांच देखेंगे फिर दो देखेंगे फिर तीन, ऐसे नहीं होगा, एकदम क्रम से देखेगा। मेरी गारंटी है गणित से डर तो दूर हो जाएगा और गणित अच्छे से सीख लेंगे। और सात ट्रिक, मतलब इससे सरल तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना भी सरल गणित होता है, या आप सीखेंगे पढ़ेंगे लगाएंगे अपने आप जानेंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा, जो जहां भी लाइव देख रहे हैं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर करें, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं यूट्यूब पे शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखेंगे आप, यहां से क्लियर हुआ? अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला प्रश्न, एक गोले के व्यास में, एक गोले के व्यास में 10% की कमी कर दी जाए, एक गोले के व्यास में 10% की कमी कर दी जाए, एक गोले के व्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्लियर, हल करके बताइए। एक गोला है, ठोस होता है गोला, अभी मत कहिएगा 4/3 π r³, कोई सूत्र नहीं याद करना है, मैंने बताया ना आपको कोई सूत्र नहीं याद करना है, केवल मैंने जो यहाँ पे ट्रिक बताई है वह ट्रिक आपको याद रहना चाहिए, मतलब जो मैंने यहाँ पे तरीका बताया है वो तरीका आपके दिमाग में छप जाना चाहिए बस। और मेरी गारंटी है मेंसुरेशन का इस तरह का सवाल आएगा मुश्किल से आप 10 से 15 सेकंड में हल करेंगे, 10 से 15 सेकंड एक लाइन में। आइए देखिए कैसे, जरा कमेंट करके आप लोग बताइए कितने लोग को समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, वो कितने लोग को समझ में आ रहा है। अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आपके पैसे ना कटे तो, आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिएगा, अगर आपके पैसे ना कटे तो ठीक, और आपको लग रहा है कि पैसे कट जाएंगे तो मत करिएगा। आइए देखिए इसको हल करते हैं, ये बताइए कितने लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है। देखिए वो ज्यादा माने रखता है, वो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं वो माने रखता है, आपको समझ में आना चाहिए, मैं पढ़ा दिया वो माने कम रखता है, माने आपको समझ में आना चाहिए ये रखता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। अब हम यहां पे देखेंगे कि माना उसका आयतन पहले अपने आप में 100 था, गुड़े गोला को 3 बार लिखना, मैंने बताया था जब कोई एक बार दे उसे हम 3 बार लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे आइए देखिए। यहां पे हम इसे लिख सकते हैं, कितना का 10% कमी का है ना, तो ये 90/100। क्या हम इसका घाते 3 यहां लिख सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा था, मैं धीरे धीरे और ट्रिक सिखा रहा हूं। देखिए आप अगर मेरी क्लास को लगातार पढ़ रहे हैं तो मैं ट्रिक को लगातार बढ़ाऊंगा ना, मैं इसको क्या 90/100 की घाते 3 लिख सकता हूं, इसका मतलब गुणा 3 बार होगा, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको समझने में। मैं और ट्रिक बता रहा हूं, सोचिए मैं और सरल कर रहा हूं आपको गणित, इतना सरल कर दूंगा कि आप भी मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे सरल करूंगा, अचानक से नहीं। अब मैं क्या किया, यहां पे इस लड्डू को इस लड्डू से काट दिया, अब मैं बराबर करूंगा तो 100 तो ऐसे रह गया गुड़े। अब 9 का अगर क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब क्या होगा, 729/ क्या होगा, 10 का क्यूब 1000। दो लड्डू से कट गया, नीचे बचा एक लड्डू, तो हो जाएगा 72.9%। ये 100 से कम है कि ज्यादा? 100 से कम है, ज्यादा कम, कितना कम, तो पता चला ये है आपका -27.1% इसका आंसर होगा। ऐसे भी हम लगा सकते थे, सेम तरीका था कि भैया इसको हम लिखते 100 × 90/100, तब भी उतना ही आता, कैलकुलेशन और कम कर दिया हमने आपका, 90/100 90/100। फिर हमने दिखाया कि सर यहाँ पे 100 100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, 9 × 9 करेंगे फिर 729, फिर 10, फिर 72.9, फिर आपका आगे आएगा फिर -27.1%। क्लियर, सभी को क्लियर? लेकिन अब ये मेथड यूज करते धीरे धीरे, क्या है ना मेथड को सॉल्व करते चलिए, इससे क्या होगा आपकी समय एनर्जी दोनों बचेगी।
किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था चाहे व्यास बढ़े चाहे त्रिज्या बढ़े, आपको कुछ नहीं करना है, कोई खुरापात नहीं करना है, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। कोई खुरापात आपको नहीं करना है, कोई भी खुरापात नहीं करना है। अरे नहीं, ये तो यहाँ पे त्रिज्या का, नहीं तो यहाँ तो व्यास का, कुछ भी नहीं। आपको एक लाइन से चलते चलना है, जिस लाइन पे आप लगातार क्रमशः चल रहे थे। और ले पढ़िए इसको, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। अब अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए सभी लोग। अगर आपको लग रहा है कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं तो आप शेयर करिएगा, अगर आपको लग रहा है मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं तो लाइक करिएगा, और नहीं तो अपना समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एक अभ्यर्थी के जीवन में सिलेक्शन के लिए समय सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आप लोग केवल केवल अपना बेस्ट दीजिएगा। तो यहां हमने देखा कि एक गोला है, उसके चाहे व्यास कहता चाहे त्रिज्या कहता, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आयतन कह दिया ना, बस काम खत्म। तीन बार गुणा करना, एकदम आंख मूंद के प्रश्न को समझिए मत, खाली इतना समझिए कि क्या कहा है, तीन बार गुणा करना है क्योंकि आयतन कहा है, फिर एक बार व्यास का त्रिज्या भाड़ में जाए, कितना बढ़ाना है 10, बढ़ाना है तो 10 प्लस करेंगे, घटाना होता तो 90, इतने बात करना था। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 100 हो गया गुणे 110/100 की घाते 3 कर सकते हैं। किसी कोई डाउट नहीं है। ये लड्डू से कट गया, इसको तोड़ेंगे तो भैया 100 तो ऐसे रह जाएगा, फिर गुड़े 100 तो ऐसे रह जाएगा, फिर गुड़े ये 11 गुड़ा करेंगे तो 1331/1000। ये दो लड्डू कट गया, ये क्या हो जाएगा 133.1, तो कितना ज्यादा बढ़ा, तो पता चला +33.1%। क्लियर। यहां से किसी को दिक्कत या कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ सकता है, हम आपके जवाब जरूर देंगे और हम आपको संतुष्ट करेंगे पूरी तरीके से। गणित आपने पढ़ी होगी, बहुत जगह पढ़ी होगी, लेकिन इस तरह से ट्रिक, मतलब पानी की तरह गणित लगाना, ये आपको ये घमंड नहीं है, ये गर्व की बात है, ये भी लगातार कई वर्षों का अनुभव है, ठीक है। और कोई ये कह रहा है अरे सर आप तो GSE पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, भैया अगर आप भी इतना स्ट्रांग नहीं होंगे सिलेक्शन इतने जल्दी कैसे मिलेगा। अब बताइए, हर परीक्षा में आपको हर सेक्शन मजबूत रखना होगा, अगर आप हर सेक्शन मजबूत नहीं है तो रेस से बाहर ना हो जाएंगे। एक विषय लेकर आप कब तक सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपको सभी विषय में पारंगत होना जरूरी है, किसके लिए, नौकरी के लिए। क्लियर। अब हम लोग जो आकृति पढ़ेंगे वो आकृति है आपकी ये दोनों, बेलन और शंकु। अब हम जो पढ़ेंगे वो बेलन और शंकु पे पढ़ेंगे, किस पे पढ़ेंगे, बेलन और शंकु। क्या पढ़ेंगे, बेलन और शंकु पढ़ेंगे। क्लियर, बेलन और शंकु पे। तो आप चलिए लिखते हैं हम लोग बेलन शंकु पे, प्रश्न लिखिएगा कि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20 बोले थे 10 बोले थे क्या बोले थे मैं भूल गया, फिर से लिखिएगा। एक बेलन, अच्छा लिख ही लीजिए, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए, तथा उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। आप ऐसा पढ़िए सवाल, एकदम रट जाए सवाल, आप बना सके, अपने दिमाग से बना सके, ये अपने अंदर आपको बनाना है। तो जब सवाल आप बनाना सीख जाएंगे तो हल करना आसान है, क्योंकि प्रश्न की भाषा सीखना है, गणित की जो लैंग्वेज है उसको आपको सीखना है, और एकदम क्रम से पढ़ते चलिए, यकीन मानिए गणित की सीरीज आपके लिए सबसे बेहतर होगी। क्लियर हुआ, यहां किसी को डाउट कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, जो भी जहां भी लाइव देख रहे हो सभी को शेयर कर दें।
और हमेशा क्लास को स्टार्टिंग से देखा करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या आपके काम का है या नहीं है। आइए, मैंने इसको यहाँ पे इस डायग्राम को बनाते समय एक बात बताया था कि जब यहाँ पे आर एक हो या व्यास हो तो यहाँ पे हम एक यच एक बार करते हैं, शायद आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप यहां से याद कर लीजिएगा। ठीक, अगर डी दो बार है तो डी इंटू यच एक बार करेंगे, हमेशा ऊंचाई एक बार होगी। आइए देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हमें जो करना है वो क्या करना है कि वो अपने आयतन अपने आप में 100 होगा, त्रिज्या हमेशा या ब्यास दो बार, कितना कह रहा है 20% की वृद्धि, तो मालिक 120 बट्टा 100 गुणे 120 बट्टा 100 फिर गुणे, अब ऊंचाई 20% कम 80 बट्टा, इसी को हल करना है। यही समीकरण आपका बना। सोचिए इतनी आसान गणित, मतलब इन फार्मूला याद करना, कुछ नहीं याद करना। अभी भी आप लोग को लग रहा होगा अरे गणित सर कठिन है, नहीं है यार। आप सोचिए कहां पे इसका आयतन निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करते थे, पाई आर स्क्वायर एच, कुछ भुला गए, कुछ नहीं याद करना है मालिक, यहाँ पे कुछ भी नहीं, केवल केवल कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको गणित में पूरे मार्क लाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, केवल एक बार आप कैलकुलेशन मजबूत कर लीजिए, बस उसके बाद फिर देखिएगा कमाल। ये देखिए, ये 100-100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल। अब ऊपर का गुणा करना है तो गुणा करिए, 10 को छोड़े रहेंगे बड़ा काम करेगा क्योंकि एक अंक पे तो 16 लगाना रहेगा, तो 12 × 12 144 × 8 / 10 कितना है गुणनफल, कोई कमेंट करके बताए, जरा गुणा के बताए कितना आएगा, ये तो मैं ही कर लेता हूँ। चलिए 8 × 32 8 × 32 3 × 35 8 × 1 = 8 = 3 = 11 मतलब 115.2%। 100 से कम है ज्यादा, 100 से कम है कि ज्यादा, ज्यादा कितना ज्यादा, 15.2% की वृद्धि हुई, 115.2% की वृद्धि हुई। क्लियर, किसी कोई डाउट, कोई समस्या, अगर किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। एक संकूप ले लेते हैं, उसके बाद आज की सेशन हमारी खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग कल नए रेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी चलेगा परसेंटेज ही, इतनी जल्दी परसेंटेज नहीं खत्म होगा। एक प्रश्न और लिखिएगा। एक शंकु के व्यास में 20% की कमी कर दी जाए, तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए सब लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, डेली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक, अभी 1.5 घंटे क्लास आपकी चल चुकी है तो ज्यादा लंबी क्लास होती है तो आप लोग देखते भी तो नहीं ना। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है कि क्या किया, यहाँ पे माना क्या है 100, ठीक क्या है माना 100, अब गुणे त्रिज्या या व्यास हो दो बार, कितना बढ़ाने के लिए कहा था जरा बताइए, मैं भूल गया, 20% बढ़ाने के लिए कहा था क्या, भूल गया, पहले क्या कहा था जरा कोई कमेंट कर बताए, त्रिज्या के लिए कैसे बता देंगे, सिर्फ प्लस, अगर प्लस का होगा तो +20% और -10% का होगा तो -10%, ऐसे बता दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, जो लाइव है जरा कमेंट कर बताए, मैं भूल गया, इतना भुलक्कड़ हूं, पहले मैं बोला क्या था, मैं 20% कमी बोला था ना, जो लाइव है जल्दी बताए यार। अच्छा, पहले 20% कमी बोला था, ठीक है, क्यों हो जाएगा 80/100, अच्छा फिर 80/100, अच्छा ऊंचाई भी, जो ऊंचाई बोला था वो भी कमी बोला था, ऊंचाई भी कमी बोले थे, मतलब 90 बटा
100, ठीक है, ये क्या हो गया 90/100, क्लियर है। अब इसको हल करते हैं, देखिए क्लास लाइव है, इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, अभी भी देख लीजिए, अगर कुछ देर बाद किसी टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, अगर अपलोड हो जाता है तो वीडियो आपको लाइव जैसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन लाइव ही क्लास रहेगी, ठीक है। हम आपके प्रश्न का जवाब नहीं देते, प्रश्न आपके पढ़ लेते हैं खाली। तो यहाँ पे क्या है, 100 से खत्म हो गया, ये लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, 8 × 64 × 9, 64 × 9/10 क्या होगा, 64 × 9 करेंगे तो, क्योंकि कमेंट कर बताया गुणा किया हो तो गुणा भी करना पड़ता है, 9 × 4 = 36, 9 × 6 = 54, 54 × 3 = 57/10, यही है आपका 5 × 6 = 10, अच्छा ठीक है 57.6, तो ये हो जाएगा आपका 42.4 माइनस 42.4% की कमी, यही है ना, हाँ ठीक सबका आ गया 42.4% की कमी। इससे ये बात स्पष्ट हो गया कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपने आसानी के साथ सीख लिया। अगर अभी भी कोई कमी हो तो बताइए, अभी भी कोई कमी हो तो बताइए, 100 से कम है कि ज्यादा, इसको निकालने के बाद भी हल करते हैं, ये गलती मत करिएगा कि इतना आ गया तो इसका उत्तर टिक कर दे, विकल्प ये भी रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है 100 से कम है कि ज्यादा, कम है तो कितना कम, ज्यादा है तो कितना ज्यादा, यह बात आपको हमेशा याद रखनी हो, नहीं तो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आप गलत कर जाएंगे, समझते रहिएगा आप लोग, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आप यहां से कोई डाउट नहीं है, आप चलिए अब आखिरी दो सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद जय हिंद जय भारत। लिखिएगा, एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए, 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कमेंट करके बताइए, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। आइए हम लोग लगा देते हैं सवाल इसको, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लगाएंगे इसको। देखिए पहले उसका मान लेंगे 100 था, 100% की वृद्धि हुई तो गोला क्या है, तो 200 हो जाएगी, 200/100 / 3, ये दो लड्डू कट गया। अब क्या होगा, 100 तो ऐसे रह जाएगा, गुणे 2 × 3 है तो हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 800, मतलब 800% है। उत्तर क्या होगा, कैसे परसेंट वृद्धि, तो प्लस 700% की वृद्धि, प्लस 700% की वृद्धि। आप सोचिए किसी भी किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो ये एक एक पेज में सवाल लगता है, एक एक पेज में सवाल लगता है, लेकिन आज आप लोगों ने इलनी बुद्रगेज के साथ इतना आसान भाषा में इतना सरल तरीका सीख लिया, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना सरल गणित हो सकती है मेंसुरेशन का। मैं ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा जब आपको, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको खुद ये विश्वास हो जाएगा कि गणित क्या इतना सरल है। और इसके साथ साथ जीएस में भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम पारखी हैं केवल मैथ के, ऐसा नहीं है, हम आपको सामान्य अध्ययन में भी कुछ विषय को छोड़कर, ऐसा नहीं सब पे कमांड नहीं है। देखिए इसमें करना क्या था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, कुल आयतन 100 होता है, क्यूब का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था इसके पहले ही कि 200 वृद्धि होगी, 200/100 / 3, बस 800 आया है, 100 से ज्यादा तो ज्यादा, कम है तो कम, बस अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिए, एक सवाल और लिखिएगा, बस काम खत्म, उसके बाद हम नहीं समझाएंगे, आज की सेशन खत्म हो जाएगा। अरे 800% आया, 100 से ज्यादा है, कम, 800 में 100 घटाएंगे 700 आएगा ना, आप लेट आए लगता है क्लास में, डेली क्लास पढ़िएगा और सभी क्लास स्टार्टिंग से, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, देखिए ये वीडियो जो सभी वीडियो लेक्चर है वो हमारे दो चैनल है, एक इलनी विद दुर्गेश और स्टडी विद दुर्गेश, और हमारा फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश, ये तीन जगह वीडियो मिलेगा, तीनों जगह क्रम से वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, 4, 5 क्रम से देखिएगा तभी क्लियर होगा। अब एक प्रश्न और लिखिएगा, एक शंकु की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए, 100% की वृद्धि कर दी जाए, जबकि उसकी ऊंचाई में
200% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सभी को शेयर करिएगा, आप लोग लाइक करिए ना करिए शेयर जरूर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। आप इसकी स्टेटस अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, हर जगह लगाइए, लोगों को बताइए, अच्छी चीजें बतानी चाहिए लोगों को। देखिए इसको हमने बताया था इसका तरीका, ये डायरेक्ट लगेगा। पहले क्या था 100, तो हमने देखा उसकी त्रिज्या क्या है, 100% बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 200/100 × 200/100। मैंने तरीका बताया हमें कहां से करता जा रहा हूं, लेकिन ऊंचाई को 200% बढ़ाया है तो क्या हो जाएगा, 300/100। हमने बोला है कि एक बेलन की त्रिज्या में 200% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही सवाल हमने बोला था। तो हमने क्या करना है, इसे काटना है, 100-100 से कैंसिल, लड्डू लड्डू से कैंसिल, यह लड्डू इस लड्डू से कैंसिल, दो लड्डू से कैंसिल, इसका लड्डू इससे कैंसिल, इसका लड्डू इससे, पूरा लड्डू करिए क्या, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। अच्छा, 2×2=4 क्या जाएगा, 1200%। तो भाई ये 100% से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, +1100%। क्लियर, समझ में आ गया। तो आज की क्लास यहां पे आपकी खत्म होती है। एक प्रश्न हम होमवर्क के लिए देंगे और आप होमवर्क करने के बाद आप उसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, यहां जवाब मत दीजिएगा, उसके बाद प्रश्न को हल करिएगा, लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप जवाब दीजिएगा। जैसे मैं एक बार समझा तो उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, पहले मैं समझाना चाह रहा हूं, मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा आपको। जैसे कह दिया जाए कि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने गुने की वृद्धि होगी या कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये भी यहां भी पढ़ाएंगे और मेंसुरेशन आएगा तब फिर पढ़ाएंगे, दोनों बार पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात, एक प्रश्न लिख लीजिएगा ताकि हम तब आगे बढ़े। एक शंकु के त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए, 50% की कमी कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में 100% की वृद्धि कर दी जाए, 100% की वृद्धि कर दी जाए तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसको हल करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। इसका प्रश्न का जवाब इस बार मैं नहीं दूंगा, कल से नई टॉपिक शुरू होगी, मतलब ये मेंसुरेशन का अध्याय खत्म। अब कल हम लोग इसी टॉप पे, इसी पैटर्न पे कुछ और सवाल लेंगे, फिर और सवाल लेंगे और हल करते चलेंगे। मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जहां से गणित में आपको महारत हासिल हो सके, ठीक है। उत्तर यहां नहीं लेंगे हम। अगर आपको वीडियो समझ में आया है सभी को शेयर करिएगा, सभी जो भी आपके साथ है। और ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। दूसरी बात, हर वीडियो की लिंक आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलेगी, ताकि कोई ये ना कहे सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला, सर मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा, अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, आगे क्लास जारी रखनी है, तो मेरा एप्लीकेशन ई लर्निंग विद दुर्गेश है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश एप्लीकेशन भी अपने पास इंस्टॉल करके आप अपनी तैयारी आगे जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास आज आपके यहाँ पे खत्म होती है। आगे देखिए, आप लोग इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास आपका स्वागत है, ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके सभी को सर्च करा के जुड़िए और इलेनी विद दुर्गेश से जुड़िए सभी को। और साथ ही साथ फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर इंस्टाग्राम इलेनी विद दुर्गेश, और हमारा एप्लीकेशन इलेनी विद दुर्गेश जो फेसबुक प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसे भी आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सीरीज आपकी वहीं पे मिलना शुरू होगा। चलते हैं आपके साथ एक से एक कर कदम मिलाते हुए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।